तो कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए विधान भवन के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। विधान भवन के सभी गेट पर उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है, साथ ही बैरिकेडिंग भी की गई है। आज सपा के बड़े हंगामे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अवनीश कुमार ने। आज दूसरा दिन है, लेकिन पहले दिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हंगामा किया था, प्रदर्शन किया था, उसको देखते हुए विधान भवन के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। आप देख सकते हैं कि विधान भवन के सभी गेटों पर पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल बढ़ाई गई है और बैरिकेटिंग भी की गई है कि किसी प्रकार से ट्रैक्टर ना आ पाए, किसी प्रकार से कोई समाजवादी पार्टी या जो भी विपक्षी दल हैं उनका अगर कोई प्रदर्शन होता है तो वो यहाँ तक ना पहुँच पाए। आपको दिखाते हैं तस्वीरों में कि ये उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की तैनाती की गई है और विधान भवन के बाहर इनको तैनात किया गया है। संख्या में इनके साथ पुलिस भी तैनात हैं ताकि किसी प्रकार का प्रदर्शन न हो पाए, किसी प्रकार का हंगामा न हो पाए। पहले दिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने हंगामा किया था, ट्रैक्टर लेकर आए थे, गन्ना लेकर आए थे और विधानसभा के अंदर जाने की कोशिश की थी, जिसको नाकाम किया था पुलिस बल ने, लेकिन आज पूरी तरह पुलिस सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद है। जितने भी उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के जवान हैं वो तैनात हैं और किसी प्रकार के प्रदर्शन को रोकने के लिए उनको मुस्तैद किया गया है और लगातार अधिकारी यहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं। कैमरामैन शैलेश के साथ अवनीश कुमार, जनता टीवी। अवनीश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। अवनीश, क्या जानकारी मिल रही है? अभी कुछ ही देर का वक्त बचा है जब सत्र की शुरुआत होगी, दूसरा दिन हंगामेदार रहेगा। कल तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हंगामा किया था, लेकिन आज क्या दूसरे विपक्षी भी एक्टिव नजर आएंगे? जी बिल्कुल, देखिए जो पहले दिन का जो तस्वीर थी वो तस्वीर आज दूसरे दिन देखने को अभी तक नहीं मिली है, लेकिन उस तस्वीर से पहले ही तमाम जो सुरक्षा बल के जवान हैं उनको मुस्तैद किया गया है। पुलिस के अधिकारी लगातार यहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं कि किसी प्रकार से प्रदर्शन न हो पाए। हालांकि 11 बजे सदन की शुरुआत की जाएगी और सदन में आज शोक सभा के साथ ही श्रद्धांजलि दी जाएगी और माना जा रहा है कि सदन आधे दिन तक ही चलाई जाएगी, लेकिन चूंकि अब राज्यपाल का अभिभाषण है, राज्यपाल के अभिभाषण पे भी चर्चा होनी है तो उसको लेकर भी बातचीत हो रही है। तो कुल मिलाकर उसी को लेकर आज कयास लगाए जा रहे हैं कि विपक्षी दलों के नेता वेल में पहुंच सकते हैं और एक बार फिर से हंगामा कर सकते हैं, क्योंकि कल ही उन्होंने मांग की थी कि राज्यपाल का अभिभाषण 7 मिनट लेट हुआ था, तो राज्यपाल का अभिभाषण और सदन की गरिमा को बरकरार रखने के लिए एक बार फिर अभिभाषण का समय लिया जाए। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आज विधान भवन के बाहर किस तरीके का माहौल है। आप देख सकते हैं विधान भवन के बाहर यहाँ पे उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के जवान तैनात है और बड़ी संख्या में इनकी तैनाती की गई है और सभी सुबह से यहाँ पे मुस्तैद हैं ताकि किसी प्रकार से कोई प्रदर्शन न हो पाए। सामने लोक भवन का गेट है, लोक भवन के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। विधानसभा के जितने भी गेट हैं वहां पे सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है और जितने भी आला अधिकारी हैं वो लगातार भ्रमण कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं कि किसी प्रकार का प्रदर्शन न हो, कोई ट्रैक्टर लेकर न आ पाए, किसी प्रकार कोई गन्ना लेकर विधानसभा के अंदर जाने की कोशिश न करे, उसको रोकने के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनाती कर दी गई है। और खास बात है कि आज अभी तक ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिली है जिससे किसी प्रकार का हंगामा हो रहा है। जो अटकलें लगाई जा रही थी कि समाजवादी पार्टी के तमाम जो विधायक हैं वो पहुंचेंगे, वो प्रदर्शन कर सकते हैं, उन्नाव के मामले को लेकर, महंगाई के मामले को लेकर, पेट्रोल डीजल की जो महंगाई दाम बढ़े हैं उसको लेकर कांग्रेस भी प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन फिलहाल अभी तक शांति है। और 11 बजे जैसे ही सदन की शुरुआत होगी उसमें पहले शोक सभा का आयोजन किया जाएगा, फिर श्रद्धांजलि दी जाएगी, उसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि आज की सभा स्थगित की जा सकती है, लेकिन कुछ देर राज्यपाल का अभिभाषण पर चर्चा होने की संभावना बताई जा रही है। अगर राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो स्वाभाविक सी बात है उसका विरोध विपक्षी दल कर सकता है और एक बार आपको वेल में फिर हंगामा करते हुए जितने भी विपक्षी दल के विधायक हैं वो नजर आते हुए दिखेंगे। कुल मिलाकर आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन के बाद शनिवार रविवार का, और इसके अलावा किसान आंदोलन का मुद्दा उठाएगा, गन्ना मूल्य का मुद्दा उठाएगा विपक्ष, अब उन्नाव का मामला भी उठाएगा। लेकिन उन्नाव के मामले को उठाने के पीछे के मायने क्या हैं अवनीश? क्योंकि राजनीतिक हवा क्यों दी जा रही है इसे, जब डॉक्टरों ने भी अब रिपोर्ट दे दिया है कि कोई भी चोट के निशान नहीं थे, पुलिस अब इस पूरे मामले को बकायदा खंगालेगी कि आखिर क्या वजह थी जो दोनों बच्चियों की मौत हो गई है? जी बिल्कुल, देखिए मामला अभी संदिग्ध बना हुआ है। उन्नाव कांड पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उसमें बड़े अधिकारियों के बयान भी आ चुके हैं
कि उनके मुंह से झाग निकल रहा था, जहर खाने से ही मौत हुई। लेकिन ये जहर उन तक कैसे पहुंचा, कैसे वो अचेत अवस्था में खेतों में पाई गई, उनका शव पाया गया, दो की मौत हो गई, एक वेंटिलेटर पे अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रही है, तो सवाल तो तमाम है। उन सवालों का जवाब लेने के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं वो सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि आखिर पूरा इस मामले की निष्पक्ष जाँच करवाई जाए और इस जाँच के तहत ही पूरे मामले निकाला जाए कि आखिर इस घटनाक्रम का दोषी कौन है, इस घटनाक्रम का कारण क्या है। सबसे बड़ा अगर कारण पता चलता है तभी हालात समझ में आएगा कि आज की इसको राजनीतिक तुल क्यों दिया जा रहा है। लेकिन अधिकतर देखने को मिला है जब भी कोई बड़ा कांड होता है उसमें विपक्षी दल लगातार सरकार पे सवाल खड़े करती है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।